सो मेनी पेन्स अवेलेबल इन द मार्केट, पर उन सब पेन्स में से आपके लिए कौन सा बेस्ट पेन है? क्या आप फास्ट हैंड राइटिंग में लिखते हैं, या आप एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, या आप नोट्स बनाने के लिए लिख रहे हैं, या आप लेफ्ट हैंडेड है? इन सब सिचुएशन में किस तरह के पेन आप कंसिडर कर रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स और मेकिंग नोट्स, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेन। तो किस तरह का पेन आप चूज करते हैं इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि ए कि किस तरह का पेन आपको चूज करना चाहिए इन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। नंबर सेकंड, आपके लिए बेस्ट पेन कौन सा है। नंबर थर्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टेशनरी हॉल फॉर द बेस्ट बॉल पॉइंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लेट्स सी कि कौन सा बॉल पेन किस चीज के लिए बेटर रहेगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने लिए एक बेस्ट पेन डिसाइड करने में, बिकॉज एग्जाम टाइम पे या नोट्स बनाने के टाइम पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होगा। एंड ऑल्सो अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर सुपर प्रोडक्टिव फॉर यू। सबसे पहले समझते हैं कि कितने तरह के पेन होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेन। फर्स्ट इज द बॉल पॉइंट, सेकंड इज द जेल पेन, एंड थर्ड इज द रोलर पेन। और इन तीनों पेन के अंदर आगे बॉल लगी होती है, और वो बॉल इंक को व्हेन यू प्रेस, तो ये बॉल पेपर पे प्रेस होके और इंक को रिलीज करती है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं बॉल पॉइंट की। सो बॉल पेन के अंदर एक स्पेशल तरह की इंक डाली जाती है विच इज ऑयल बेस्ड, इसलिए वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है एंड इट इज वाटर रेजिस्टेंट। बॉल पॉइंट से लिखना बहुत आसान होता है। सो बॉल पॉइंट कंसिडर करने से पहले आपको ये फैक्टर्स जरूर देखने चाहिए। नंबर वन, उसकी टिप कितनी पतली है। नंबर सेकेंड, किस तरह की इंक वो बॉल पॉइंट दे रहा है, क्या कलर है उसका इंक का। व्हेन आई टॉक अबाउट द टिप, सो टिप साइज ऑफ 0.5 mm या 0.7 mm, आप इनमें से दोनों साइज ले सकते हैं। जितनी पतली टिप होगी उतनी आपकी हैंड राइटिंग बेटर लगेगी, जितनी मोटी टिप होगी दैट मीन्स उतनी ज्यादा इंक ट्रांसफर हो रही है एंड उस टाइम पे हैंड राइटिंग उतनी नीट नहीं लगती है। नंबर सेकेंड थिंग जो आपको देखना है एंड दैट इज फ्लो ऑफ इंक। अगर बहुत ज्यादा इंक फ्लो हो रही है तो उसको स्मज होने के चांसेस ज्यादा है, वेयर एज अगर ऑप्टिमम इंक फ्लो हो रही है एंड द फ्लो इज वेरी गुड ऑफ द पेन, सो दैट इज द पेन विच इज परफेक्ट फॉर यू। नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी द पेन बॉडी। पेन की बॉडी किस तरह की है, जो ग्रिप है क्या वो इतनी वाइड इनफ है कि आपकी तीनों फिंगर्स जिसे हम ट्राइपॉड फिंगर्स कहते हैं वो उस पर प्रॉपरली रेस्ट कर पाती हैं। अगर वो बहुत पतली है, आपकी फिंगर्स अच्छे से रेस्ट नहीं कर पा रही हैं, तो जब भी आप नोट्स लिखेंगे तो आपकी ये फिंगर्स टायर्ड हो जाएंगी और आप ज्यादा लंबे टाइम तक नोट्स नहीं लिख पाएंगे, या एग्जाम के अंदर अगर आप अपनी स्पीड को बेटर करना चाहेंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। अनदर इज ड्राई टाइम। ड्राई टाइम बिकॉज इट्स अ बॉल पेन, इट्स एन एडेड एडवांटेज। नाउ ये तो बात हुई बॉल पेन की, लेट्स टॉक अबाउट जेल पेन। जेल पेन को जेल पेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो इंक होती है वो वाटर बेस्ड होती है। वाटर बेस्ड इंक होने की वजह से इट हैज टू डिसएडवांटेज। नंबर वन, उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नंबर सेकंड, कि वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता। अगर आपने कुछ लिखा है एंड उस पर पानी गिर जाए तो आपकी पूरी इंक फैल जाती है, स्मज हो जाती है। नाउ बट इट हैज सम एडेड एडवांटेज। द एडेड एडवांटेज इज कि क्योंकि ये जेल पेन है, जेल पेन की जो टिप होती है वो पतली होती है, हैंड राइटिंग बेटर आती है, आप इसके अंदर फ्लो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इसमें काफी सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन यूज इट एज हाइलाइटर्स एंड आप बना सकते हैं कलरफुल नोट्स। Now, अब थर्ड तरह के जो पेन होते हैं दोज आर रोलर पेन। रोलर पेन कुछ इस तरह दिखते हैं। रोलर पेन आर द पेन्स विच आर बेस्ट फॉर कर्सिव हैंड राइटिंग। अगर आप कोई चीज ऐसी लिख रहे हैं जिसके अंदर आपको बेस्ट हैंड राइटिंग देनी है, देन यूज द रोलर पेन। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत फास्ट है, देन आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन गो फॉर ईदर बॉल पेन और द जेल पेन जिनकी टिप 0.5 mm टू 0.7 mm है। Alright, and अगर आप cursive handwriting try करना चाहते हैं then roller pen are the best options for you. Now market के अंदर कुछ ये सब roller pen मिलते हैं। roller pens के अंदर again the same disadvantage, क्योंकि इनकी ink भी water based होती है तो same disadvantage भी है, और वो है कि ये water resistant नहीं है, इनकी ink सूखने में थोड़ा time लगाती है तो smudging हो सकती है, but इनके strokes जो होते हैं वो बहुत free flow होते हैं, तो आप इनसे better handwriting लिख सकते हैं। So,
अब द फाइनल वर्डिक्ट एंड दैट इज कि अगर आपको हैंडराइटिंग के लिए चाहिए गो फॉर रोलर पेन्स, अगर आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं जो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप सेव कर पाए यू कैन गो फॉर बॉल पेन्स क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं तो यू आर सेफ कि ये खराब नहीं होंगे नोट्स इवन इन द लॉन्ग टर्म। अगर आपको स्पीड मेंटेन करनी है अपने एग्जाम के अंदर तो बिटवीन जेल पेन एंड बॉल पेन आपको अपना पिक लेना होगा। अब मैं आपको क्विकली दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे बॉल पेन विच आर अंडर 10 रुपीज जो मार्केट में अवेलेबल हैं एंड आई एम गोइंग टू गिव यू माई टेक ऑन देम। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सो आफ्टर रिव्यूइंग ऑल दीज पेन्स मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी टॉप 5 पिक ऑन द बेसिस ऑफ द स्मूथनेस, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रिप, द इंक, द हैंड राइटिंग एंड द टिप। सो लेट्स बिगिन। So on number 5 we have this pen that is called Butterflow by Simply. It's a Celloca pen. All right, so let me write something and show it to you. This pen is on number 5 based on kaisi iski ink hai, the tip and everything. Moving on to number 4. Now number 4 is this pen and this is from Hauser XO. Okay, तो लिखते हैं इस पेन से एंड देखते हैं। Now this pen is great because A, इसकी टिप बहुत पतली है, उसकी वजह से the handwriting becomes better. The pen is great and the ink इसकी जो है ना वो बहुत ज्यादा color of the ink is not great. So that's why maybe I can give it a number 4. अगर इसका color थोड़ा सा और dark होता, I think I would have given it number 3. Alright, now let's move on to the pen number 3 and that is this pen. So this pen is from Doms. It's called GL06. It's a very interesting pen. Bahut sasta milta hai. I think it's for 5 rupees or something. Now the best part about this pen is that it is very very smooth. This is a really smooth pen. So agar aapko koi bhi notes banane hain, then this pen is a go-to pen for you and it is not very expensive also. इंक इसकी काफी अच्छी है, इसकी टिप बहुत पतली है, सो हैंड राइटिंग विल बी बेटर। नाउ मूविंग ऑन टू द पेन नंबर 2। नाउ पेन नंबर 2 इज गोइंग टू बी डेफिनेटली दिस वन विच इज फ्रॉम रेनल्स एंड इट इज कॉल्ड स्मूथ मेट। ओके, दिस इज एन अमेजिंग पेन। नाउ व्हाई वुड आई से दैट इज बिकॉज इसकी इंक का कलर बड़ा अच्छा है, इसकी टिप बड़ी अच्छी है। अगर आप इसकी टिप देखोगे बड़ी कंफर्टेबल टिप है और जैसे आप इसके हैंड रेस्ट करते हो ट्राईपॉड फिंगर्स को तो बड़े कंफर्टेबली आप इससे लिख पाते हो। सो लेट मी जस्ट राइट, दिस इज अ ग्रेट पेन। नाउ बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पेन इज जनरली जो बॉल पेन होते हैं वो थोड़ा सा लिखने के बाद स्मूथ होते हैं, बट ये पेन राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग अ वेरी वेरी स्मूथ। आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्मूथ मेट। सो डेफिनेटली अगर आपको एग्जाम के लिए कोई बॉल पेन चूज करना है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। दिस इज बाय रेनल्स स्मूथ मेट। सो दिस इज ऑन नंबर 2। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 1 एंड दैट इज नन अदर देन दिस पेन। इट इज कॉल्ड योलो फ्लेयर। इट इज फ्रॉम फ्लेयर। द नेम ऑफ द पेन इज योलो। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पेन इज दैट इट इज सो स्मूथ, द ग्रिप इज गुड, the quality of ink is very good, it flows very well, iski tip bahut achhi hai, it is 0.5 mm and also ye bahut smooth likh raha hai, the quality of the ink is also better. Agar aap in sab mein se dekhenge iski ink sabse dark hai, that is why it is making the handwriting look better. So my pick is YOLO from Flair. So these are the picks. So let me put the pens right next to it. Butterflow, this one. So 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe for more such videos.